सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। हम सब जानते हैं कि न्यूटन ने मोशन को लेकर के तीन लॉ दिए हैं। उन तीन लॉ के बेसिस पे ही पूरा का पूरा जो मैकेनिकल फिजिक्स जो है ना, मैकेनिक्स वाला फिजिक्स, वो पूरा पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जो क्लासिक मैकेनिक्स के बाद क्या करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो जो फिजिक्स पढ़ते हैं, वहाँ इसके रूल सारे के सारे अप्लाई नहीं होते। तो पहले समझते हैं कि न्यूटन्स ने कौन कौन से लॉ दिए हैं, है ना, क्या क्या लॉ दिए हैं उसको समझते हैं। उसके पहले कुछ टर्म्स हैं, उसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, फोर्स। क्या है? फोर्स। तो फोर्स क्या है, एक तरीके का एक एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं फोर्स, है ना। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि जब हम फोर्स की बात करेंगे, अगर किसी बॉडी के पोजीशन को चेंज करने की, तो फोर्स वहाँ पर दो तरीके के लगेंगे। एक होगा इंटरनल फोर्स और एक होगा एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा है, बाहर से आ रहा है, वही उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। और इंटरनल फोर्स क्या होगा, उसकी बॉडी को पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। एक आदमी के पेट में दर्द है तो वो उसको खिसका नहीं सकता, लेकिन क्यों, लेकिन लग तो रहा है फोर्स, अंदर प्रेशर बना हुआ है, प्रेशर ने जो है उसकी बॉडी पर फोर्स लगा रखा है अंदर से, लेकिन उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बगल से घूसा मार दे तो उसको पोजीशन चेंज कर रहा है या चेंज करने की कोशिश कर रहा, तो ये कहलाएगा फोर्स। अब उसके बाद एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आता है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इसको समझिएगा, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा होता है एग्जांपल्स को लेकर के समझना। एग्जांपल्स में देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बस में बैठे हुए हैं और बस चल रही है एक कांस्टेंट स्पीड से, मान लीजिए चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की से, और एकाएक से जो है ड्राइवर ने ब्रेक लगाया एकाएक सडनली। अब क्या होगा कि हम लोग आगे की तरफ झुकेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। इसी उल्टा मैं कह रहा हूँ कि बस स्टेशनरी है और ड्राइवर ने क्या किया कि स्टार्ट किया बस को और पहले गियर पर ही बहुत तेज़ उठाया, यानी एक्सेलरेट कर दिया बहुत तेज़ी से। तो उसने क्या किया कि ज़ीरो वेलोसिटी से सीधे सीधे से पहुँचा दिया 20 किलोमीटर पर आवर से, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे तरफ झुक जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ इनर्शिया का अप्लाई होता है। कैसे? इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रुका रहना चाहता है, अगर वो ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो मूव करना चाहता है, उसकी टेंडेंसी होती है। तो जब बस ट्रैवल कर रही होती है तो हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है तो ब्रेक हमारी बॉडी में कहाँ लगा, इस लोअर पोजीशन पे लगा जो कि सीट से कांटेक्ट में था, लेकिन हमारा यह हाफ पोर्शन ऊपर का था वो ट्रैवल कर रहा था। वो क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था। जब वो ट्रैवल कर रहा था और नीचे वाला रुक गया तो वो क्या करेगा, आगे की तरफ झुकेगा। इसी तरीके से समझिए कि होता क्या है कि जब हम स्टेशनरी हैं और बस एकदम एकाएक से आगे बढ़ गई तो हमारा लोअर पोर्शन उस सीट से कांटेक्ट में है, यानी वो सीट के साथ चल दिया और अपर पोर्शन वहीं रुका रह गया, तो इसलिए हमको लगता है पीछे झुक गए, है ना। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब हमारे कपड़ों में डस्ट लग जाता है, कंबल में या किसी कपड़े में, तो हम क्या करते हैं, उसे फोर्स लगाते हैं उस पर क्या, उसको झटकारते हैं, है ना, ताकि वो जो है इसे हिलाते हैं ताकि उससे डस्ट निकल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मान लीजिए कोई कपड़ा है, मान लीजिए ये गंदा कपड़ा है, ये कपड़ा हो गया, अब यहाँ पर डस्ट के पार्टिकल हैं, तो डस्ट के पार्टिकल इससे चिपके हुए हैं, वो स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी, हमने इस पर फोर्स लगाया, इसको मोशन दे दिया। जैसे ही इसको मोशन दिया, अब इतना जल्दी इंस्टेंटेनियसली हम क्या करते हैं, इसको मोशन प्रोवाइड करते हैं, इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं कि डस्ट पार्टिकल वहीं रुके रह जाता है और ये आगे बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये मेन एग्जांपल्स हैं इनर्शिया के। आई थिंक समझ में आ गया होगा इनर्शिया क्या चीज़ है। उसके बाद अब स्टार्ट होता है, न्यूटन्स ने तीन लॉ दिए। तो जो पहला लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्चुअल में ये फोर्स की क्वालिटी को डिफाइन करता है। सेम जो इनर्शिया की बात की गई है ना, उसी चीज़ को ये अप्लाई कर लेते हैं न्यूटन्स। वो ये कहते हैं कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया दिया जाए, जब तक कि उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश न की जाए, वो तब तक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, है ना। तो ये क्या करता है, ये फोर्स की क्वालिटेटिव नेचर को डिफाइन करता है।
अब इसी के बेस पर इन्होंने एक टर्म दिया है लीनियर मोमेंटम। क्या है? लीनियर मोमेंटम। अच्छा, मैंने इसका डेफिनेशन ले लिखा है, इसका डेफिनेशन आपको बुक में अवेलेबल है, यहाँ पर आपको समझना है मैं ना। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम समझने के लिए आप एग्जांपल लीजिए। आप खड़े हैं, एक साइकिल वाला है बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट चलाते हुए चला रहा है, और आपसे सीधे आकर टक्कर लगाया, आपको चोट लगेगी, जाहिर सी बात है। ये एक चोट हुई। और आप रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं, एक ट्रेन धीरे धीरे आ रही, धीरे धीरे 10 की स्पीड से आ रही, और आपको टक्कर दिया, किस में बचेंगे? साइकिल वाले में बचेंगे, बाकी में शहीद हो जाएंगे, जबकि स्पीड तो उसकी कम थी। तो आखिर क्या वजह रही, आखिर वजह क्या रही? एक्चुअल में ये जो लीनियर मोमेंटम होता है, ये होता है मोशन ऑफ मास एक तरीके से। क्या होता है? मोशन ऑफ मास। तो लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन होता है वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में। किसी डायरेक्शन में? वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए? क्रॉस लगा दी हमने, सीधे सीधे बात है, आगे समझिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, जब बात ट्रेन की थी तो ट्रेन का मास एज़ कम्पेयर टू साइकिल के मास से बहुत ज़्यादा था, वहाँ बहुत ज़्यादा था। अगर हम ट्रेन की बात करेंगे, अगर उसका मास M1 है और साइकिल के मास M2 है, तो M1 इज़ ग्रेटर देन M2 है। और वेलोसिटी में अगर बात की जाए, तो ये वेलोसिटी साइकिल कितनी हो सकती है? 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, बहुत तेज़ चलाएगा तो। लेकिन मास उससे मुकाबले में कहीं ज़्यादा ग्रेटर है, कहीं ज़्यादा। तो उससे क्या होता है कि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है ट्रेन का। जब बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे टकराएगा, तो उससे क्या होगा? मोमेंटम का ट्रांसफ़र होगा, उससे ज़्यादा आपको चोट लगेगी। इसीलिए क्या होता है, ट्रेन में लड़ने पर ज़्यादा चोट आती है और साइकिल से कम आती है। तो बात समझ में आ गई भाई, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है। अब न्यूटन ने एक सेकेंड लॉ दिया इसी के बेस पर, और ये जो सेकेंड लॉ ना, ये फोर्स के ही क्वांटिटी नेचर को दिखाता है। मैंने पहला लॉ बताया था क्वालिटेटिव नेचर को, और ये दिखाएगा क्वांटिटिव नेचर को, है ना। इन्होंने कहा कि अप्लाइड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हालांकि मैंने यहाँ इक्वल टू लगा दिया है, क्योंकि यहाँ जो कांस्टेंट बाद में लिया जाता है के की वैल्यू, वो यूनिट कह दिया जाता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया, इससे गलत नहीं हो जाता। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होता है। तो अगर इसकी वैल्यू बात की जाए, तो ये होता है अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम का चेंज होने का रेट क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी टी एम वी। क्लियर? मोमेंटम क्या भाई? एम वी है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है हमें, डिफरेंशिएट किसको करना है? एम वी को और टी के रिस्पेक्ट में। एक बात बताओ, क्या मास बदलता है किसी ऑब्जेक्ट का? नहीं। जब आगे पढ़ेंगे ना, जब हम लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर मास भी बदलेगा। फिलहाल के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मास चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जब मास कांस्टेंट है, वी चेंज हो रहा है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, तो ये हो जाएगा एफ एम डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। अब बताइए डी वी अपॉन डी टी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो यहाँ आ गया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट का के आ जाएगा एम ए, के इज इक्वल टू 1, यहाँ से आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इन इसकी वजह से ये सेकंड लॉ से ये आता है कि किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है, ये रहा बॉडी और ये एक किसी सरफेस पर रखा हुआ है, और यहाँ पर एफ फोर्स लगाया गया, एफ फोर्स लगाया गया, और ये ए एक्सेलरेशन से इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा। बात समझिएगा, ए एक्सेलरेशन से चल रहा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। अगर फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मान लीजिए मूव कर रहा है, तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। जैसे एक बाइक मूव कर रही, बाइक से चल रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर से हम लोग जा रहे हैं, और क्या है कि वहाँ पर उसका ब्रेक फेल हो गया है, जो रोड और बाइक के टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो नहीं है,
और कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब उसे रोकने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। जब उसे रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या है कि वो गाड़ी चलती ही रहेगी और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती रहेगी, तो उसके अंदर कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होगा। लेकिन हम क्या करें, उसी डायरेक्शन में फोर्स एफ लगा दें, तो जाहिर सी बात है एफ का काम होगा उसको एक्सेलेरेट कर देना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहा, तो ये इसको स्पीड को बढ़ाएगा, इसका मतलब एक्सेलेरेशन हो गया। इस कंडीशन में यहाँ पर मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट आप एक फोर्स लगाएंगे एम इंटू ए, और यहाँ से हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से हो जाएगा एम इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। किसी किताब में आपको सीखने के लिए ये कहा जाएगा सीधे एफ माइनस एम ए इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। ये सब नहीं करना, मैं आपको सिखाऊंगा सीधे लॉ कि हमें जब फ्री बॉडी डायग्राम अभी मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें कैसे करना है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मास इंटू एक्सीलेशन एक फोर्स लगा दीजिए, हमें सीधे ये करना है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर क्या लिया था, मास को कांस्टेंट लिया था, मास को क्या किया था भाई, कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, रॉकेट देखा है, देखा होगा, तो रॉकेट जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसके पीछे फ्यूल बर्न करता है, वो रॉकेट है ये है, तो यहाँ क्या हुआ, फ्यूल बर्न करता रहता है इसका, फ्यूल इसके अंदर क्या हुआ, फ्यूल भरा हुआ है, वो बर्न कर रहा, पीछे थ्रस्ट लग रहा है, इसकी वजह से अपोजिट में फोर्स लग रहा है, ये ऊपर चला जा रहा। क्या ये फ्यूल कम हो रहा होगा बर्न करते हुए, जब ये फ्यूल कम हो रहा है इसका मतलब इसका मास वेरी कर रहा है ना, इसका मास वेरी कर रहा है। इस केस में जब इस टाइप का न्यूमेरिकल हमें आगे मिलेगा उस केस में हम क्या करेंगे, मास को कांस्टेंट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ हम क्या करेंगे, वहाँ पर यहाँ हो जाएगा, देखिए इसको जब डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत आएगी उस केस में क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी, एक तो ये केस होगा, प्लस वी डी एम अपॉन डी टी, ये इक्वेशन बन करके आएगा। फिर ये भी न्यूटन सेकंड लॉ से है, लेकिन उस केस में है जब मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहा हो, और हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है रॉकेट का, कि जहाँ पर मास और वेलोसिटी दोनों चेंज होता है, रॉकेट की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहती है, इसका मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, वी चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ उसका वेट कम हो रहा है क्योंकि फ्यूल बर्न कर रहा। तो उस केस में जब भी न्यूमेरिकल हमारे पास आएगा तो हम ये इक्वेशन को वहाँ पर यूज़ करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो ये बात हो गई न्यूटन सेकंड लॉ की। अब एक बहुत ही आसान सा न्यूटन थर्ड लॉ दिया, क्या दिया भाई, न्यूटन्स ने थर्ड लॉ दिया, सबने पढ़ा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इन दो का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, खासकर रिएक्शन, फ्रिक्शन और एक्सेलेरेशन, ये तीन चीज़ें जहाँ में दिखने लगेंगी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को बहुत ज़्यादा अप्लाई करने वाले हैं, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं भी हम लोग।